तो बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेल्फ अवॉइडिंग रैंडम वॉक को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सिंपल रैंडम वॉक के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। वो ये थी कि हम लोग रैंडम वॉक परफॉर्म करते वक्त अपनी लोकेशन को बार बार विजिट करते थे। सो हम लोग उस लोकेशन को बार बार विजिट करने से अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एल्गोरिथम के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये की कि हम लोग जिस साइट को या जिस पोजीशन को विजिट कर लेते थे उसको विजिटेड मार्क करते जाते थे। मतलब हम लोगों ने एक टू डायमेंशनल ग्रिड बनाया और उस ग्रिड की इनिशियलाइजेशन जो थी हम लोगों ने जीरो के साथ की कि हर जगह के ऊपर, हर पोजीशन के ऊपर जीरो पड़ा हुआ है। और जब हम लोग किसी साइट को या उस लोकेशन को विजिट कर लेंगे तो उस लोकेशन को हम लोग वन मार्क करते जाएंगे। हमने प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा करते गए। उसके बाद हम लोग हर स्टेप के ऊपर क्या करते थे कि रैंडम नंबर जनरेट करवा के उस बेस के ऊपर जब हम लोगों ने किसी साइट के ऊपर जंप करके जाना होता था, एक्स में या वाई में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता था, तो बिफोर इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग इन एनी एक्स एंड वाई हम लोग क्या करते थे, उसकी जो अपडेटेड जहां पे जंप करके जाना है उस लोकेशन के ऊपर जाके चेक कर लेते थे कि ऑलरेडी वहां पे साइट के ऊपर वन तो नहीं पड़ा हुआ। अगर वन पड़ा होगा तो इसका मतलब है वो पहले किसी जो है ना स्टेप के अंदर स्टेप के अंदर वो लोकेशन विजिट हो चुकी होगी। सो इस वजह से हम लोग उसको अवॉइड करते थे। बट ड्यूरिंग ऑल दिस सिमुलेशन हमारे पास क्या होता था कि वो मूव करते करते एक ऐसी लोकेशन में आ जाता था जिसकी चारों साइड्स जो हैं, चारों एडजेसेंट साइट्स जो होती थी वो विजिटेड होती थी। तो फिर उसके बाद वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता था, वो वहीं पे स्टक हो जाता था, जिसको हम लोगों ने कहा था कि वो आपके पास एक डेड लॉक है। जैसा कि यहाँ पे है ये वाला जो पॉइंट अब है, ये आपके पास डेड लॉक की सिचुएशन में है। यहाँ से अब वो नहीं निकलेगा, वो आपके पास फर्दर स्टेप्स भी नहीं परफॉर्म करेगा, सिमुलेशन यहीं पे स्टक हो जाएगी। सो इस तरह की सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए हमने अपने लास्ट एल्गोरिथम के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। वो कुछ इस तरह से कि हम लोग क्या करते जाएंगे, जोन जोन से पॉइंट्स को विजिट करते जाएंगे, वहां पे विजिटेड वन मार्क करने के साथ साथ इस लोकेशन की जो एक्स वाई वैल्यूज हैं उसको एक पॉइंट स्ट्रक्चर में स्टोर करवा के एक लिस्ट या एरे में स्टोर करवाते जाएंगे। ठीक है, जब उसमें स्टोर करवाते जाएंगे तो अब होगा क्या कि जब हम लोग जब कभी ऐसी सिचुएशन में पहुंचेंगे कि जहां पे वो डेडलॉक होगा, तो डेडलॉक के केस में वो क्या करेगा, जो प्रीवियस पॉइंट उसके पास स्टोर होगा वो जंप करके उसके ऊपर चला जाएगा, जो प्रीवियस पॉइंट स्टोर होगा उसके ऊपर जंप करके चला जाएगा। और उसको पता कैसे चलेगा कि वो करंटली डेडलॉक के अंदर है, जैसे ही वो किसी लोकेशन के ऊपर होगा और उस लोकेशन के ऊपर जो उसकी चारों एडजेसेंट साइट्स अगर विजिटेड होंगी, यानी कि उनकी जगह के ऊपर वन पड़ा होगा एडजेसेंट साइट्स के ऊपर, जैसे ये वाली एडजेसेंट साइट्स है, ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है, इन साइट्स के ऊपर वन अगर उसको मिल रहा है चारों के ऊपर, हम कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे। अगर चारों के ऊपर वन उसको मिल रहा होगा तो इसका मतलब वो डेडलॉक के अंदर है। डेडलॉक के अंदर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस पॉइंट की लोकेशन थी वहां पे जंप करके जाना होगा। सो उसके लिए हम फिर अपने एल्गोरिथम के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया था, मैं वही कोड इंप्लीमेंट करूंगा जो लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर था। सो जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी, मैं इसको फिर से एलैबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेन बनाया था टू डायमेंशनल, जिसका साइज हम लोगों ने स्टेप्स के लिहाज से रखा था। साइज हमने डिफाइन कर दिया था कि उसका साइज कितने बाय कितने का होगा। और चूंकि सी शार्प के अंदर टू डायमेंशनल रे या वन डायमेंशनल रे जब डिक्लेयर करवाई जाती है तो उसकी जो इनिशियलाइजेशन होती है वो जीरो के साथ होती है। सो इस वजह से बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्लेन था, जो प्लेन इस तरह से मुख्तलिफ पोजीशंस हैं इनकी, बाय डिफॉल्ट जगहों के ऊपर तमाम के ऊपर जीरो स्टोर होगा। सो फर्दर जो है हमने क्या किया, एक रैंडम पोजीशन ले सकते हैं या हमने एक फिक्स सेंट्रलाइज पोजीशन ले ली। गिवन साइज हमारा 15 था तो सेंट्रलाइज पोजीशन हमने 7x7 ले ली, और 7x7 को हमने स्टार्टिंग वैल्यू मानते हुए वहां पे प्लेन की उस 7x7 पोजीशन के ऊपर वन स्टार्ट कर दिया, वन प्लेस करवा दिया, यानी कि वो विजिटेड मार्क कर दी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स के स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करवाना पड़ेगा। रैंडम नंबर अगर आपके पास 0.25 से छोटा है तो इस साइड के ऊपर हमने एक्स में इंक्रीमेंट करना था,
0.25 से छोटा है, इसमें x में इंक्रीमेंट करना था, तो इंक्रीमेंट करते करते वो रे की टू डिमेंशनल रे की या आपके गिवन प्लेन की बाउंड्री से बाहर जा सकता है। तो बाउंड्री से बाहर जाने का मतलब यह है कि उसकी लिमिट से बाहर जा रहा है, लिमिट जो है उसकी फाइनल लिमिट से बाहर जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट करते वक्त वो फाइनल लिमिट की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से हम लोग उसको कंडीशन लगाएंगे कि वो लेस देन साइज माइनस वन रहे। और अब उसको बिफोर इवन इंक्रीमेंटिंग हम लोग क्या करेंगे, उसकी अपडेटेड जो आप इंक्रीमेंट करने से पहले जो जिस जगह के ऊपर इंक्रीमेंट करके उसने जाना है प्लेन की, उस प्लस वन वाली पोजीशन के ऊपर हम लोग चेक कर लेंगे कि वहां पे जीरो होगा या वन होगा। अगर जीरो होगा तो देन हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर इंक्रीमेंट कर देंगे तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वाई आपके पास सेम रहेगा, तो एक्स वाई चेंज होगा तो मतलब उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, यानी कि उसका नया पॉइंट आ जाएगा। सो उसके बाद अगर आपके पास रैंडम नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0.25 है और लेस देन 0.5 है, यानी कि वो 0.25 और 0.5 के दरमियान है, तो यहाँ पे हमने एक्स में डिक्रीमेंट करना है, टैक्स में डिक्रीज करते करते वो जीरो की तरफ अप्रोच कर सकता है, और जीरो से अगर लेस जाएंगे तो टू डायमेंशनल रे या जो आपका प्लेन है उसका साइज जीरो से छोटा नहीं हो सकता। सो इस वजह से जो रे के अंदर इंडेक्स आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ रे की एरर आएगी। सो टू अवॉइड दैट हम लोगों ने कह दिया कि जो एक्स की वैल्यू है डिक्रीज होते होते जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए, जीरो से बड़ी रहनी चाहिए। तो इवन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्योंकि हमने इसमें डिक्रीमेंट करना है तो हम उस एक्स की डिक्रीमेंटल जो पोजीशन है करंट एक्स, अगर सपोज किया 5 पे है तो जो एक्स की 4 वैल्यू बनेगी वहां पे हम लोग चेक कर लेंगे कि वो ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है। अगर विजिटेड होगी तो हम लोग एक्स में डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, अगर आपके पास नॉन विजिटेड होगी तो देन हम लोग यानी कि जीरो होगा तो देन हम लोग वहां पे मूव करके चले जाएंगे, यानी कि एक्स में डिक्रीमेंट करवा देंगे। एंड सेम केस फॉर बोथ डायरेक्शंस ऑफ वाई, इंक्रीमेंट वाली और डिक्रीमेंट वाली, उसमें भी सेम कंडीशंस इंप्लीमेंटेड हैं। जब ये वाली कंडीशंस चारों जो है ना वो चेक कर लेता है बेस्ड अपॉन रैंडम नंबर और एडजेसेंट साइड्स की पोजीशन के ऊपर वो विजिटेड है या नहीं है, तो देन वो क्या करता है एक्स की वैल्यूज के अंदर एक्स या वाई की किसी एक डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज कर चुका होता है, जो इंक्रीज या डिक्रीज कर चुका होता है, तो इसका मतलब है कि एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू चेंज हो चुकी हुई है। अब चेंज हो चुकी हुई है बेस्ड अपॉन दीज कंडीशंस, तो देन वो क्या करेगा उसकी चेंज्ड पोजीशन के ऊपर जाके एक्स वाई पोजीशन के ऊपर वन मार्क कर देगा, यानी कि वो उसको क्या कर देगा विजिटेड मार्क कर देगा कि हम लोग वहां पे अपडेट मूव करके चले गए हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया उस एक्स वाई पोजीशन को प्लॉट कर दिया, बट इन दिस केस इन दिस एल्गोरिथम वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड के यहाँ पे आपके पास डेडलॉक की ऑप्शन आती है कि वो मूव करते करते किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर चला जाता है जहाँ पे उसकी चारों साइड जो होती हैं वो विजिटेड मार्क हो जाती हैं, तो वहां से वो बाहर निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं रहता। सो उसे रिमूव करने के लिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग यहाँ पे जोन जोन सा पॉइंट हम लोग विजिट करते जाएं उसको एक लिस्ट में स्टोर करवाते जाएं, जोन जोन सा पॉइंट हम लोग विजिट करते जाएं उसको क्या करें एक लिस्ट या अरे में स्टोर करवाते जाएं। नाउ अगर सपोज किया कि इनफ है और हम लोग क्या करेंगे कि जोन जोन सा पॉइंट हम लोग विजिट करते जाएंगे अरे या लिस्ट में स्टोर करवाते जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स की अरे बनाएंगे तो अरे का हमारे पास एक डिसएडवांटेज होता है लिस्ट की निस्बत से। हो सकता है आप लोगों ने एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर लिस्ट को डिटेल्स के साथ डिस्कस किया हो, लेकिन अगर नहीं भी किया तो हम लोग उसको यहाँ पे विद दिस एग्जांपल थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंट डिस्कशन की होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एज सच पॉइंटर नहीं है, बिल्ट इन चीज है, जस्ट हमने उसको यूज करना सीखना है। जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा जब आप सिंगली लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट अगर पड़ी हुई है तो उस सिंगली लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट के अंदर आप लोग इंसर्ट करने का कोड था, उसमें रिमूव करने का कोड था। सिमिलरली यहाँ पे बिल्टन कोड्स अवेलेबल हैं, जस्ट हमने उनको उन फंक्शंस को यूटिलाइज करना है। बट अरे में मसला ये है कि जब भी हम लोग अरे डिक्लेयर करवाते हैं वन डायमेंशनल हो या टू डायमेंशनल हो उसमें हमें साइज डिक्लेयर करवाना पड़ता है,
जब भी हम लोग अरे जैसे यहाँ पे हमने 2D की है तो 2D के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको डिक्लेयर करवाने पड़ते हैं। अगर वन डायमेंशनल हो तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद आपको डिक्लेयर करना पड़ती है, बट जो लिस्ट है वहां पे आपको साइज मेंशन नहीं करना पड़ता कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। आप नंबर उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, उसका साइज ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाएगा। उसका साइज क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाएगा। आपको स्टार्ट में उसका साइज पास करने की जरूरत नहीं है, आप पास कर सकते हैं लेकिन ना भी पास करेंगे तो उसका जनरलाइज साइज हो जाएगा। जैसे जैसे आप उसके अंदर चीजें ऐड करते जाएंगे उसका साइज अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होता जाएगा। बट अगर आपको याद हो वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल के अंदर आप अगर उसका साइज 5 या 10 या 100 फिक्स कर देते थे तो 5 या 10 या 100 ही वैल्यूज आप उसके अंदर स्टोर करवा पाते थे। उससे ज्यादा अगर करवाते थे तो तब भी वो एरर देता था, और अगर उसे कम करते थे तो कम वाली वैल्यू स्टोर हो जाती थी, जो रिमेनिंग इंडिसेस होते थे वहां पे वो गार्बेज वैल्यू स्टोर करवा देता था। लेकिन लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है, जितनी वैल्यूज आप स्टोर करवाना चाहेंगे वो करवा लेगा। लेकिन पॉइंट इसके हम लोग लिस्ट को यूज कैसे करेंगे। मैंने आप देखें मूव करते वक्त मेरे पास जोन सी भी पोजीशन के ऊपर मैंने मूव करके जाना है यहाँ पे एक एक्स कोमा वाई पोजीशन है, यानी कि एक्स और वाई है पोजीशन है, पोजीशन के अंदर दो वैल्यूज होंगी एक्स और वाई। तो प्रोग्रामिंग के अंदर इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बिल्ट इन स्ट्रक्चर है पॉइंट नेम का, तो उस पॉइंट को हम लोग स्टोर कर लेंगे। तो इसका मतलब है हमने हर एक पॉइंट को अपने पास स्टोर करवाना है, हर पॉइंट के अंदर आपके पास एक्स और वाई वैल्यूज होंगी। अब हमारे पास बेसिकली फिर क्या होगा, उन पॉइंट्स की एक लिस्ट होगी, उन पॉइंट्स की क्या होगी, एक लिस्ट होगी। सो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर आके डेफिनेटली यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाए, लिस्ट टाइप करेंगे। तो बिल्ट इन लिस्ट की कमांड है, वो कुछ इस तरह से यूज होगी कि लिस्ट के आगे आप लोग सिंपली क्या करेंगे, ये लेस देन ग्रेटर देन, इसको हम लोग टेम्पलेट का नाम देते हैं या एन्यूमरेटर का नाम देते हैं। यहाँ पे आपके पास डेटा टाइप पास करते हैं, जैसे हम लोग 2D रे या 1D रे डिक्लेयर करवाते हैं, शुरू में डेटा टाइप लिखते हैं, यानी कि इस प्लेन के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो इंटीजर टाइप की आएंगी। जो भी डेटा टाइप आप यहाँ पे पास कर देंगे इस लिस्ट के अंदर वैसी वैल्यूज ही अपने पास स्टोर करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर रख दूंगा तो लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज आप लोग एंटर करवाएंगे वो इंटीजर टाइप की होंगी। अगर जहाँ पे मैं स्ट्रिंग रख दूंगा तो लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज आप ऐड करवाएंगे वो स्ट्रिंग टाइप की होंगी। जहाँ पे अगर मैं पॉइंट रख दूंगा तो जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी वो पॉइंट टाइप की होंगी। ठीक है, वो लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो कौन सी होंगी, पॉइंट टाइप की होंगी। अब मैं उसका जो नाम है कुछ इस तरह से रख लेते हैं शॉर्ट सा, कि मैं उसको विजिटेड साइट्स का नाम दे देता हूँ या विजिटेड पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ, और उसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। वी फॉर विजिटेड, एस फॉर साइट्स रख लेते हैं, वी एस रख लेते हैं। विजिटेड साइट्स इज इक्वल टू न्यू, अब आगे वो खुद ही टाइप करेगा। अब मैं अगर सपोज के इसका साइज पास करना चाहता हूँ तो मैं इस फंक्शन ब्रैकेट के अंदर पास कर दूंगा। ये इसका सिंटेक्स है, जिस तरह से 1D या 2D अरे का ऊपर सिंटेक्स था सिमिलरली इसका। अगर मैंने साइज फिक्स करना है इसका तो मैं यहाँ पे सपोज 100 पास कर दूंगा, तो देन आप इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे कि आप इसमें 100 वैल्यूज स्टोर करवा सकेंगे। लेकिन हमें नहीं श्योर कि हमारे पाथ के अंदर कितनी वैल्यूज ऐसी आएंगी जिनको हमने स्टोर करवाना है। हमारे पास जनरलाइज अरे लिस्ट होनी चाहिए जिसका साइज हमारे पास बाउंड ना हो कि इसका साइज कितना होना चाहिए। मैं यहाँ पे साइज नहीं पास करूंगा। तो अब ये VS एक ऐसी लिस्ट है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट टाइप के वेरिएबल स्टोर करवा सकते हैं, पॉइंट टाइप के वेरिएबल स्टोर करवा सकते हैं, और जितने मर्जी करवाना चाहे करवा सकते हैं। आपके ऊपर इंडेक्स आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ अरे वाली एरर नहीं आएगी। अब ये आपके पास लिस्ट बन गई है, लिस्ट बन गई है। अब इस VS के अंदर हम लोगों ने क्या काम करना है, इन पॉइंट्स को एड करवाना है। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन पूछना चाहें तो लाउडली पूछ सकते हैं। पॉइंट की जगह पे हम लोग इंटीजर नहीं ले सकते, उसकी वजह यह है कि हर जगह के ऊपर हमारे पास एक वैल्यू नहीं है, इंटीजर एक सिंगल वैल्यू है। पॉइंट की जगह के ऊपर हमारे यहाँ लोकेशन के ऊपर हमारे पास एक्स और वाई दो वैल्यूज है। ठीक है, तो दो वैल्यूज हमें पॉइंट टाइप का बिल्डिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हम उसको यूज कर लेते हैं या फिर अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते जिसमें दो वैल्यूज इनकैप्सुलेट करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है?
नाउ अब हमने जो भी एक्स वाई यहाँ पे हम लोग मार्क वन शो करवा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्क वन शो करवा रहे हैं। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो एक्स वाई लोकेशन आई है, ये जो एक्स वाई लोकेशन आई है, इसको हमने क्या करना है, उस पॉइंट एक पॉइंट बना के उस लिस्ट में ऐड करवाना है, जिसको हमने वन मार्क किया है, एक पॉइंट बना के उस लिस्ट में ऐड करना है। इसको पॉइंट कैसे बनाएंगे, ये जो प्लॉट वाला कोड था वो मैं बिल्कुल जो है ना इस कोड के जहां जहां इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वहां पे मैं जाके इसको करवा रहा हूँ। और जो इंडेक्स में उसकी लोकेशन में प्लस वन करना था कि वो विजिट हो गई है या नहीं है, वो भी मैं वहीं पे जाके उठा के रख रहा हूँ। यानी कि हर जगह के ऊपर कोड को अगर मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूँ तो देन आपके पास जो कोड है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी कि हर लोकेशन के ऊपर हम लोग साथ साथ उसकी जहां पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वहां पे उसकी साइट को क्या कर रहे हैं, विजिट मार्क कर रहे हैं और साथ साथ प्लॉट करते जा रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट हमारे पास ये श्योरिटी आ गई है कि ये तभी उसको पिछली वाली चीज में क्या करता था कि वो जहां पे जैसे ही इस लाइन के बाद में आता था, चाहे उसने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया था या नहीं किया था, उस लोकेशन को बार बार वन मार्क करवाया जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर सपोज किया ये वाली, इनमें से उसने रैंडम नंबर जनरेट करवा लिया, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी सपोज, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसको वो उसी लोकेशन पे रहेगा, उसको दोबारा से वन मार्क करवाने की जरूरत नहीं है, उसको दोबारा से वो प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आप यहाँ पे ला के आ सके सपोज यहाँ पे करेंगे तो वो यहाँ पे ये कंडीशन कोई एक ट्रू ना भी हो या हो तो वो ये क्या करता रहेगा, उसी लोकेशन को वन मार्क करता रहेगा और उसी को बार बार प्लॉट करता रहेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा टास्क होगा उसके लिए। उस चीज से अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ से कोड रिमूव कर दिया है और उसको हर जगह पे जहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वो तभी उसको करेगा जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, हर मरतबा नहीं करेगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो या ना हो वो नीचे ग्राफ में कर रहा था, लेकिन अब मैंने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस लिहाज से की है कि उसमें बार बार वो जो है ना करंट लोकेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना होने के बावजूद वहां पे करता रहे। ठीक है, सो अब हम लोगों ने बेसिकली अभी तक हमारे पास प्रीवियस ही एल्गोरिथम है, इसमें हमने जस्ट अभी एक लिस्ट ऐड करवाई है, लिस्ट डिक्लेयर करवाई है, इसमें वैल्यूज अभी नहीं भेजी। तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, VS के अंदर हम लोग ये जो भी x और y की वैल्यूज हैं, VS के अंदर जो भी x और y की वैल्यू हैं उसमें मैं उसको एक पॉइंट बना के ऐड करवा देता हूँ। अरे यूज करते वक्त सपोज हमने कोई अरे बनाई होती है तो उसमें हम लोग d ऑफ i समथिंग करके इंडेक्स लिख के उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू होती थी वो स्टोर करवा देते थे। लेकिन इसमें आप लोग ऐड करवाते स्टोर करवाते वक्त हम लोग इंडेक्स नहीं यूज करते, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस लिस्ट का नाम और साथ डॉट प्रेस करके ऐड का बिल्ट इन फंक्शन है, वो बेसिकली क्या करता है, जो भी वैल्यू आप इस ऐड में पास करेंगे वो वीएस में जाके स्टोर करवा देगा। अब वीएस किस टाइप की है, पॉइंट टाइप की है, वो यहाँ पे अब आपको गाइड करेगा कि VS ऊपर हमने किस टाइप की डिक्लेयर करवाई है, पॉइंट टाइप की। तो इसमें आपने जो आइटम ऐड करनी है वो पॉइंट टाइप की होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको पॉइंट बना लेते हैं, न्यू पॉइंट, और उसमें जो x और y अभी हमें दिया गया हुआ है उसको स्टोर करवा लेते हैं। अभी साथ साथ नोट ना करें, इसमें मसले होंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला है कि सपोज करें कि वो जो करते वक्त इस लोकेशन के ऊपर चला गया है, यहाँ से गया, इधर गया, ये भाई इसकी चार पोजीशन से जहाँ पे उसने जाकर करना था, लेकिन यहाँ पे रहते हुए उसका जो जो आपके पास रैंडम नंबर उसको लेके जा रहा है, उस लोकेशन के ऊपर लेके जा रहा है, इस लोकेशन के ऊपर थ्रू नहीं जाएगा, ना ही आपके पास डेडलॉक है, तो वो इस लोकेशन को क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। इधर से इधर गया इसको लिस्ट में ऐड करवा दिया,
ठीक है, जब यहाँ से उसने आगे फर्दर मूव करना था तो वो इसको क्या करेगा, ये अगर पोजीशन डिलीट हो रही है तो वो बेसिकली क्या काम करेगा, जब वो इसके साथ ऊपर आएगा तो यहाँ पे आके उसको इसने डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करना है तो वो दोबारा से रैंडम नंबर जनरेट करवाने से पहले वो फिर इस लोकेशन को दोबारा से फिर ऐड करवा देगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे देखें ये वाली जो ऊपर हमने कंडीशन जितनी भी लगाई हुई है ये बेसिकली क्या करेंगी उस एक्स वाई में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगी, बट इन दिस केस हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाली पोजीशन जनरेट हो रही है इसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना, इसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना, ये एक्सेप्ट नहीं करना करने का मतलब क्या है, ये जितनी भी पीछे कंडीशन जिनको मैंने हाईलाइट किया है ये कंडीशन इसमें इंक्रीमेंट लगेगी इस पोजीशन के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, यानी कि आपके पास एक्स वाई पोजीशन कौन सी रहेगी वो भी इसमें यही रहेगी, लेकिन अगर आपने एट द एंड वाला कोड लिख दिया तो इस स्टेप के अंदर भी इस एक्स वाई को दोबारा से इसके अंदर ऐड करवा देगा और आपके पास कोड की क्या होना शुरू हो जाएगी, रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगी, इस कोड के अंदर आपकी लिस्ट के अंदर पॉइंट्स की रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं है, मैं दोबारा से फिर एलैबोरेट कर देता हूँ। सपोज आपके पास, हम लोग यहाँ से जंप करते हुए इस जगह के ऊपर आए, यहाँ पे आके मैं इसकी प्रीवियस डायग्राम ले लेता हूँ। सपोज हमने ये स्टार्ट किया एक्स वाई पोजिशन से, वो रैंडम नंबर उसको कहाँ पे लेके चला गया है, एक्स प्लस वन कोमा वाई के ऊपर, यानी कि वो इस पोजिशन को भी लिस्ट में ऐड करवा चुका हुआ है, इसको भी ऐड करवा चुका हुआ है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर वो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे वो ना तो डेड लॉक था और ना ही ये विजिटर थी, तो वो एक्स में वाई में इंक्रीमेंट करवा चुका होगा, तो इस लोकेशन को भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बना के लिस्ट में स्टोर करवा देंगे। सिमिलरली फिर उसके बाद ये वाला भी पॉइंट में लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ये वाला भी ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही, अब उसके बाद हम लोग इस लोकेशन के ऊपर हैं, इस लोकेशन के ऊपर हैं, एक रैंडम नंबर ऐसा जनरेट हो रहा है जो उसको इस लोकेशन के ऊपर लेके जा रहा है, ये ऑलरेडी विजिटेड होगी, ऑलरेडी विजिटेड होगी तो वो ऑलरेडी विजिटेड होगी तो वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करेगा तो उसको वो क्या रहेगा, इसी लोकेशन के ऊपर रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर एल्गोरिथम, इसी लोकेशन के ऊपर रहेगा तो एट द एंड हमने क्या कर दिया है, इस लाइन, इसमें लाइन लिख दी है कि वो ऐड करवा दे, तो वो उन्हीं उसी एक्स वाई को क्या करेगा, ये वाले जो एक्स वाई है, ये वाले जो एक्स वाई है उसको दोबारा फिर लिस्ट में ऐड करवा देगा। एक तो जब यहाँ से इधर आया था तब वो ऐड हो गए, दूसरा जब ये वाली लोकेशन डिस्कार्ड कर रहा था तो उस वक्त फिर से ये एक्स वाई उसमें ऐड हो जाएंगे। सो टू अवॉइड दिस हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसको किसी ऐसी लिस्ट में रखना पड़ेगा। अब इस चीज का हल क्या है, मैं इस चीज के हल के लिए फिर दोबारा से थोड़ी देर जो है ना हम लोग यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि हम लोग डेडलॉक वाली कंडीशन कैसे हैंडल कर सकते हैं। डेडलॉक वाली कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपके पास प्लेन की जो एक्स प्लस वन कोमा वाई पोजिशन, अगर आपके पास वन है एंड जो आपके पास प्लेन की x माइनस वन कोमा वाई जो पोजिशन है दैट इज इक्वल टू वन, सिमिलरली एंड आपके पास प्लेन की जो x कोमा वाई प्लस वन पोजिशन है दैट इज इक्वल टू वन, एंड के साथ प्लेन की जो आपके पास एक्स कोमा वाई माइनस वन पोजिशन है ये वन की इक्वल है, ये चारों वन की इक्वल है, जिसका मतलब है वो डेड लॉक में है, ऐसे ही है वो इंक्रीज का ऊपर वाली कंडीशन से होके ही एक्स वाई में इंक्रीज या डिक्रीज करके किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर आ गया है जिसकी जो फर्दर आगे एक्स एक्स प्लस वन पोजिशन या एक्स माइनस वन पोजिशन या वाई प्लस वन पोजिशन या वाई माइनस पोजिशन, चारों पोजिशन जो उसकी बन रही हैं जहां पे वो जंप करके जा रहा है उसकी जो चारों पोजिशंस बन रही हैं वो विजिटेड हैं, चारों पोजिशंस बन रही हैं वो विजिटेड हैं, तो देन हम लोग क्या करेंगे, एक्स को लिस्ट के अंदर पड़े हुए प्रीवियस पॉइंट के एक्स के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस करवा देंगे, लिस्ट के अंदर पड़े हुए प्रीवियस पॉइंट के, जैसे यहाँ पे अगर देखें लिस्ट के अंदर यहाँ पे डेटा क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे डेटा क्रिएट हो रहा है तो लिस्ट के अंदर ये प्रीवियस पॉइंट था, ठीक है, तो जो हमारा करंट एक्स होगा उसको हम लोग इस लिस्ट का जो एक्स होगा लिस्ट का एक्स जो है, एंड सिमिलरली वाई जो होगा वो लिस्ट का वाई हो जाएगा,
उसके एक्स और वाई के इक्वल हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वी एस। अब जब इसको चीज को एक्सेस करना होता है तो जस्ट लाइक ये अरे ही यूज होता है। जब इसमें स्टोर वैल्यूज करवानी होती हैं तो ऐड का फंक्शन, जब आपने इसको यूज करना होता है तो अरे के तौर पर। अब अरे में इंडेक्स क्या है उसकी तरफ बाद में आते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक्स कॉल कर रहा हूँ तो ये जो वी एस है किसी इंडेक्स के ऊपर एक पॉइंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। अब इसमें वैल्यू क्या आएगी उसकी तरफ बाद में आते हैं। वी इज इक्वल टू वी एस डॉट वाई यहां पे इंडेक्स क्या आएगा, हाँ जी बोले हाँ जी कामरान जो मर्जी ले ले। नहीं यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, चले अब इसको इंडेक्स की तरफ थोड़ा थोड़ा सा थोड़ी देर बाद में आ जाते हैं। अगर डेडलॉक नहीं है, अगर सपोज किया डेडलॉक नहीं है, डेडलॉक नहीं है तो इसका मतलब है हम इस जगह के ऊपर इधर से इस जगह के ऊपर आ रहे हैं और इधर मूव करके इधर जा रहे हैं तो इसकी फर्दर चारों पोजीशन के ऊपर डेडलॉक नहीं है। इधर से इधर मूव करके जा रहे हैं डेडलॉक नहीं है तो इसका मतलब है हम इसको रिजल्ट कर सकते हैं। तो फिर इस पॉइंट को क्या करेंगे, लिस्ट में ऐड करवा रहे हैं। अगर डेडलॉक है तो हम लोग प्रीवियस पॉइंट के ऊपर जाएंगे, अगर डेडलॉक नहीं है तो देन हम लोग इस पॉइंट को क्या करेंगे इसमें ऐड करवा देंगे। तो हम लोग इसके एल्स में जाके यानी कि इसके एल्स में जाके इस पॉइंट को क्या करेंगे लिस्ट में ऐड करवा लेंगे जैसा हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, और अभी सपोज के लिए हमारे पास स्टेप फर्स्ट ही था तो हम लोग ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं जो कि हमें इंडेक्स एक्सेस करके देगा। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नाम इंडेक्स रख लेते हैं और उसको इनिशियल वैल्यू जीरो दे देते हैं। और जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके उसके सराउंडिंग में डेडलॉक नहीं है तो हम लोग यहाँ पे आके इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं प्लस प्लस करवा लेते हैं। इंडेक्स के अंदर क्या करवा लेंगे प्लस प्लस। अब इसी इंडेक्स को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज कर लेंगे। सपोज अब इस तरह से वो यहाँ पे भी नहीं आता, डेडलॉक भी नहीं जाता, ऐड करवा रहा है इंडेक्स वन हो गया, फिर इंडेक्स टू हो गया, फिर इंडेक्स थ्री हो गया, ऐड करवाता जा रहा है। और जब यहाँ पे आएगा तो सपोज करें आपके पास इंडेक्स जो है वो सेवन हो गया है, यहाँ पे इंडेक्स क्या हो गया सेवन हो गया है, आठ की वैल्यू आपने एंटर करवानी थी लेकिन वो डेडलॉक पे लेके जा रहा था, हमें क्या कौन सी वैल्यू लेनी है, इंडेक्स माइनस वन जो आपके पास इंडेक्स बन रहा था तो आपने इसकी वैल्यू इंडेक्स माइनस वन यानी आठ में से माइनस एक करके साथ में की वैल्यू इसको क्या करना है रिप्लेस करवाना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे प्रीवियस पॉइंट जो कि एडेड था उसके इंडेक्स जो है ना माइनस माइनस वाली वैल्यू को उठा के इंडेक्स माइनस वन सॉरी माइनस नहीं इंडेक्स माइनस वन सिमिलरली इंडेक्स माइनस वन और साथ इंडेक्स क्योंकि आठ हो चुका होगा इसमें इंक्रीमेंट करते वक्त हम लोग साथ इंडेक्स में से भी क्या कर देंगे माइनस माइनस कर देंगे या इंडेक्स को पहले माइनस माइनस करवा दें और यहाँ पे इंडेक्स माइनस वन यूज कर लें, इट्स अप टू दैट प्रॉब्लम। और दोबारा से फिर इस चीज को समझ लें कि सपोज करें कि आपके पास ये जो है इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू थी जब उसने ऐड करवाया तो सात हो गया था। ठीक है, जब वो आठवें इंडेक्स के ऊपर जा रहा था तो वो उसको डेडलॉक में लेके जा रहा था, सातवें इंडेक्स के ऊपर जा रहा था तो उसकी चारों साइड थी वो लिस्टेड थी, चारों साइड फिक्स्ड थी, तो हमने बैक वाले इंडेक्स के ऊपर जो पॉइंट पड़ा हुआ था बैक वाले इंडेक्स के ऊपर जो पॉइंट पड़ा हुआ था तो जो है ना उस इंडेक्स की वैल्यू को क्या करना है अपने एक्स और वाई में स्टोर करवा लेना है। तो बैक वाला इंडेक्स कौन सा इंडेक्स माइनस वन, सो उसकी एक्स वैल्यू करवा लेंगे एक्स के अंदर और उसकी वाई वैल्यू स्टोर करवा लेंगे वाई के अंदर। और क्योंकि इंडेक्स आठ हो चुका था उसको हम लोग बैक आपको किस में कर लेंगे सेवन में कन्वर्ट कर लेंगे।
ठीक है, तो उस वजह से हम लोग बैक ट्रैक करके प्रीवियस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स इट, इससे सारे मसले हल हो जाएंगे। इसको प्लॉट करके चेक कर लेते हैं कि वो सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। अपार्ट फ्रॉम एनी एरर, थ्रेड और स्लीप यूनिट यूज किया है ना, अब गौर से देखना है किसी जगह पे जाके रुकता है थोड़ी देर के लिए और फिर वो किसी डेडलॉक में जाता है अगर, लेकिन इसलिए इस केस में वो डेडलॉक में नहीं गया लेकिन शायद एरर आ रही है। इस चीज को हैंडल करने के लिए फिलहाल जो है ना, मैं साइज यहाँ पे स्टेप्स मैंने 100 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं साइज जो है ना वो 100x100 रख लेता हूँ और यहाँ पे सपोज करें मैं 57 और 67 ले लेता हूँ इनिशियल वैल्यूज। चलें फिलहाल जो है ना, इसमें इंडेक्स आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ अरे वाली एरर आ रही है, उसको हम लोग कुछ इस तरह से साइज में से जो है ना